नमस्कार साथियों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। उस कहानी का एक मुहावरे से संबंध है और मुहावरे का नाम है घर का भेदी लंका ढाई। तो इस कहानी में आप जानेंगे कि घर का भेदी लंका कैसे ढाता है। तो एक बार एक सेठ थे, काफ़ी अमीर थे। उन्होंने सोचा कि हमारे घर में इतना रुपया पैसा बना रहता है और मैं और मेरी बेटी और मेरी बूढ़ी बुजुर्ग पत्नी है, कभी कोई चोर घुसाया तो इतना सारा सामान लेके भाग जाएगा, इसके लिए मैं क्या करूं? तो उसकी पत्नी से उसने राय ली कि अच्छा ये बताओ भगवान कि मैं क्या करूं। तो उसकी पत्नी ने कहा, करो क्या, एक कुत्ता ले आओ भयानक, जिससे डर के चोर भाग जाएंगे और कुत्ते से मेरा मन भी लगा रहेगा, मैं उसको दिन भर अकेली रहती हूँ तो अपने कुत्ते को खिलाती रहूँगी। उसने कहा ठीक है। उसने कहा सुनो सुनो, ज़्यादा बड़ा कुत्ता मत लाना, अगर बड़ा कुत्ता लाओगे तो वो तुम्हें को खा लेगा, छोटा पपी लाना। तो उसने कहा ठीक है। तो सेठ की और उसकी पत्नी की बातें उसकी बेटी सुन रही थी, और बेटी का एक दोस्त था जो उसके पापा की गाड़ी चलाता था, ड्राइवर। तो उसने अपने ये मम्मी पापा की बातें उस ड्राइवर से बता दी। उसने कहा कि ड्राइवर जी, ड्राइवर जी, मेरे पापा जी जो हैं वो एक कुत्ता लेने जा रहे हैं, बहुत बड़ा भयानक। तो बोले बड़ा कुत्ता लेने जा रहे हैं? कि नहीं नहीं छोटा कुत्ता लेने जा रहे हैं। कि अच्छा, कि उन्होंने ये कहा है कि जब वो बड़ा होगा तो वो चोरों को खा लिया करेगा और हमारे घर में चोरी नहीं हुआ करेगी। उन्होंने कि अच्छा ठीक है, और क्या बातें हुई? कि और कुछ नहीं बातें हुई, बस कल कुत्ता आ जाएगा हमारे घर पे। कि अच्छा ठीक है। तो वो जो ड्राइवर था उसने अपनी पत्नी से बात की जाके कि यार ये बताओ कि मुझे अगर चोरी करनी हो और उस सेठ के घर पे कुत्ता हो तो मुझे क्या करना चाहिए? तो उसकी पत्नी ने कहा कि कुत्ता मतलब कितना बड़ा कुत्ता? उसने कहा कि पता नहीं बड़ा लेके आए कि छोटा लेके आए। उसकी पत्नी ने उसके कान में कुछ बता दिया कि तुम ऐसा करना, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक, अब वो जाने लगा सेठ जी के घर पे रोज़ चाय पीने, कभी किसी बहाने कभी किसी बहाने, और वो छोटे से कुत्ते को खूब खिलाता रहा, गोद में लेता, कहीं उसको कुछ भी बिस्किट खिलाता, कहीं उसे घुमाने ले जाता, कहता सेठ जी आप घर में बैठो, मैं इसे पॉटी करा लाता हूँ, मैं इसे थोड़ा घुमा लाता हूँ। तो वो उसने क्या किया, उस कुत्ते से ही दोस्ती कर ली अपनी। अब छोटे से पिल्ले बचपन से ही दोस्ती होगी, तो वो जब बड़ा हुआ तो उसने उस पर भौंकना छोड़ दिया। तो एक बार सेठ ने कहा कि भैया अब तो खूब आराम है, अब हमारा कुत्ता इतना बड़ा हो गया है कि किसी की हिम्मत ही नहीं है हमारे घर में। हुआ क्या कि एक बार वो बहुत सारी सोने की असरफियाँ और चांदी के सिक्के लेके आए और खूब सारा सामान लेके आए, दुनिया भर का बहुत सारा सामान। क्यों लेके आए? क्योंकि उनकी बेटी जवान हो गई थी, उन्होंने अपनी बेटी की शादी करनी थी, इसलिए वो सारे अरेंजमेंट में लगे हुए थे। तो वो ड्राइवर उनके घर पे आया, उसकी बेटी ने फिर उसके बता दिया कि मेरे पापा बहुत सारा सामान लेके आए हैं क्योंकि मेरी शादी है। क्या क्या लेके आए? उसने कहा ये सोना, वो चांदी, ये गहने, ये कपड़े, ये सब बता दिया उसने। उसने कहा ठीक। वो रात में आया अपने कुछ लोगों के साथ और उसने पूरा मामला सफा चट कर दिया और कुत्ता भी भौंका नहीं। उसकी पत्नी ने उसे यही बताया था कि छोटे से ही पिल्ले से ही दोस्ती कर लो अपनी, तो बड़े पे वो भौंकेगा नहीं और तुम्हारी चोरी करना आसान हो जाएगा। तो बस उसने यही किया और सब चोरी वोरी कर ली। पुलिस ने कहा कि तुम्हारे घर पे इतना भयानक कुत्ता है बुलडॉग, और चोर आए और वो भौंका भी नहीं और सारी चोरी भी हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? कुत्ता अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकता है कि वो अजनबियों में भौंके ना? इसका मतलब कि चोर अजनबी नहीं था। पता करो कि चोर अजनबी नहीं था फिर कौन था? फिर धीमे धीमे बातें खुली, अंततः वो ड्राइवर पकड़ा गया, क्योंकि यूपी पुलिस रही होगी तो हमारी यूपी प्लस पुलिस जो है बहुत ईमानदार पुलिस है, और ऐसे खतरनाक बुरे बुरे लोगों को ना एकदम निचोड़ के रख देती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपने घर की बात किसी को ना बताएं, और ये कुत्ता पालने वाला जो सिस्टम है ना, आप इस कहानी से यही शिक्षा